नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफ कैट एंट्रेंस एग्जाम की। दोस्तों, एफ कैट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। तो दोस्तों, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अगर आपका सपना एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है, डायरेक्टली अगर आप एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टली पायलट बनना चाहते हैं, तो ये जो वैकेंसी है एफ कैट की, ये आपके लिए है। तो इसमें मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, एयरफोर्स का एग्जाम, एज क्राइटेरिया, सैलरी क्या मिलता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने टाइम का पेपर होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है एफ कैट होता क्या है। एफ कैट होता है आपका एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। बेसिकली ये बॉयज गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। और अगर आप एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं, एयरफोर्स में डायरेक्टली ऑफिसर बनना चाहते हैं, जैसे आर्मी में डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बनते हैं कमीशन्ड ऑफिसर, वैसे ही आप एयरफोर्स में डायरेक्टली ऑफिसर बन सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। अगर हम लोग एग्जाम लेवल की बात करें, लेवल ऑफ एग्जाम, तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी ये पूरे देश भर में कंडक्ट किया जाता है। और आपको मैं बता दूं, 1 से 30 दिसंबर के बीच में फॉर्म भरे जा रहे हैं और 24 और 25 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 30 दिसंबर से पहले पहले टाइम से ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरे। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी है, जैसे कुछ एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, कुछ एनसीईआरटी के द्वारा, तो ये जो एग्जाम है, मैं आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आगे देखें तो कौन कौन सी पोस्ट आपको ऑफर्ड की जा रही है। इसमें आपको कमीशन्ड ऑफिसर इन फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल स्टाफ, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल स्टाफ, ये सारी पोस्टें आपको मिलेंगी। और जिसमें आपकी जो सैलरी है, करीब करीब 80,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी आपको दी जाएगी। आपको बता दूं, मोड ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। एग्जाम ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने का आपको सबसे बड़ा ये फायदा है कि पूरी पारदर्शिता होगी, किसी भी तरह का धांधली होने की टेंशन नहीं है आपको। अगर आप सही है, आपका सारा स्कोर आप चेक कर सकते हैं, हर चीज, एक एक चीज ऑनलाइन होती है, साथ के साथ आपका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें, सेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे आपका आता है जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। आगे चलते हैं, प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बिल्कुल आसान है, आपको पहले एफ कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। ये सारे मैंने आपसे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो मैं आपको बता दूं कि जो एफ कैट का फॉर्म है, ध्यान से समझिएगा, वो आपका निकल चुका है 23 नवंबर से। और आपको मैं बता दूं कि 1 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। आपका जो एडमिट कार्ड है, वो जनवरी के लास्ट वीक में आपका जो एडमिट कार्ड है वो इश्यू होगा। अगर मैं बात करूं एफ कैट एग्जाम की, तो आपका 24 और 25 फरवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एफ कैट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब एग्जाम के बाद आपको चाहिए रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका आएगा मार्च में। तो ये एफ कैट वन है। देखिए, साल में 2 बार एफ कैट का पेपर होता है, बॉयज गर्ल्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें जो ग्रेजुएट बच्चे चाहिए, जिन्होंने बीकॉम कर रहे हैं कर लिया है, बीएससी वाले हो गए, बीए वाले हो गए, बीटेक वाले हो गए, बीबीए वाले हो गए, बीसीए वाले हो गए, सभी बच्चे जो है वो एफ कैट का एग्जाम दे सकते हैं। आगे आगे अगर हम लोग बात करें एफ कैट के लिए, तो जो भी कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो जो नेशनैलिटी है वो उनकी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। यानी सिर्फ और सिर्फ इंडियन बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता है। अगर हम लोग एज क्राइटेरिया की बात करें, तो अलग अलग एज क्राइटेरिया है। जैसे फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज क्राइटेरिया चाहिए 20 साल से 24 साल के बच्चे चाहिए आपको, 20 साल से 24 साल के लड़के या लड़कियां चाहिए।
लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ की बात करें जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है, तो 20 से 26 साल के बीच में एज होनी चाहिए। और जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपका किसके आधार पे होगा, जो आपका 10th सर्टिफिकेट पे है, 12th के सर्टिफिकेट पे है, जो कि किसी भी इंडियन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होगा या यूनिवर्सिटी से होगा, उसके आधार पर ही आपको चयन दिया जाएगा। मैरिटल स्टेटस की बात की जा रही है, जो भी कैंडिडेट्स हैं 25 ईयर ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ, मानी जब भी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग के समय आप अनमैरिड होने चाहिए। यानी जो भी मैरिड कैंडिडेट होंगे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग विडोज की बात करें, विडोज और डाइवोर्स जो केसेस होते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बिलो 25 ईयर्स आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल, यानी जिनकी एज 25 ईयर से कम है वो एलिजिबल नहीं है। अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो कम से कम 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स और मैथ्स में एट प्लस टू लेवल पे। यानी क्योंकि ये एयरफोर्स है, आर्मी में तो चल जाता है, आर्मी में 50-55% तक चल जाता है, लेकिन एयरफोर्स में आपको मैं बता दूं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मांगा जाता है, और आपको प्लस टू लेवल पे मैथ्स और फिजिक्स में मिनिमम 60% होना चाहिए। अगर 12th लेवल पे आपका नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप ग्रेजुएशन जो आपने किया है, चाहे आपने बीटेक किया है, आपने बीबीए किया है, बीसीए किया है, बीकॉम, बीएससी, ये सभी चीजों में कम मिनिमम 60% आपका ग्रेजुएशन के लेवल पे होना चाहिए। अगर मिनिमम आपका 60% नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान आपको देना है। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं, डायरेक्टली वहां से लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भी ऑनलाइन है, पेपर भी ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। और वीडियो के नीचे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एफकैट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप हमारी कॉम्पिटिटिव लेवल की जो बुक है, आप हमारे 7419992928 पर कॉल करके एफ कैट की जानकारी ले सकते हैं और बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ ₹2000 में आपको कंप्लीट बुक सेट मिलेंगे, और आपको बुक्स ऐसी दी जाएंगी जो आपको पढ़ के मजा आए, जो बिल्कुल डिफरेंट लेवल की है, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल का, हाई लेवल का बुक्स प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन है, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 200-300 की बुक्स लेकर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करना लगभग इम्पॉसिबल है। आपको बुक्स भी अच्छे चाहिए, आपको मेंटर्स भी अच्छे चाहिए, आपको ट्यूटर भी अच्छे चाहिए, आपको जो गाइड कर रहे हैं हर लेवल पे, आपको बढ़िया लोगों की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद एफ कैट का पेपर करीब करीब 2 क्लियर किया हुआ है। बहुत ही सिंपल पेपर आता है, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। सीडीएस का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन एफ कैट का पेपर में बहुत सिंपल आता है। आपको मेहनत करनी है, टारगेट करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आपको ये देखना है कि जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन 250 का ऑनलाइन पेमेंट है, जो कि आपको पे करना है। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। तो ये कुछ कोशिश रही है मेरी, जो कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम सेंटर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करूं, तो एफ कैट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेपर है, मोड ऑफ एग्जाम क्या है, आपका ऑनलाइन है, सबसे बढ़िया है, कंप्यूटर बेस्ड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल पेपर कितने नंबर का है, टोटल पेपर आपका 300 नंबर का है। आपका एग्जाम कितनी देर का है, आपका जो ड्यूरेशन है वो 2 का है, यानी आपको 120 मिनट मिलेंगे, और आपको टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी 1 में अप्रोक्सीमेटली 1 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, पेपर में क्या क्या पोर्शन आता है, एग्जाम पैटर्न, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, तो जी हाँ, 1 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एफ कैट की आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और एंड्रॉयड ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ, आप एजुकेशन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब
कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।